दोस्तों काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर जोलो के द्वारा उनका नया स्मार्टफोन जोलो इरा 4X जो है लॉन्च कर दिया गया है और काफ़ी अच्छे प्राइस में इसे लॉन्च किया गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ में पूरा इसका रिव्यू आज मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसका जो है गिव अवे भी करने वाले हैं। तो गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके लिए वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बॉक्स आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का बॉक्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर जो है व्हाइट कलर का बॉक्स आता है, जोलो यहां पर मेंशन किया हुआ है। नीचे आप लोग देखेंगे तो इरा 4X 2GB रैम वेरिएंट मेरे पास है और ये जो है 1GB रैम वेरिएंट में भी आता है। तो मेरे पास जो है 2GB रैम वेरिएंट है। वैसे दोनों में आपको जो स्टोरेज प्रोवाइड किया गया वो 16GB वाला स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है। यहां पर आपको मेंशन किया गया पावर्ड बाय मीडियाटेक, तो यहां पर आपको जो है मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल जाता है। कीमत यहां पर लिखी गई है 7,199 रुपए, लेकिन दोस्तों इसकी जो कीमत है वो है 5,555 रुपए। और दोस्तों इसका जो 1GB रैम वेरिएंट है वो आपको मिलेगा केवल 4,444 रुपए में। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स पर मेंशन किए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 5.45 इंच का यहाँ पर जो है आपको एक HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया जो कि एक IPS डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की यहाँ पर आपको प्रोडक्शन मिल जाएगी। 2GB का रैम यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, 16GB का इंटरनल स्टोरेज है जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 128GB तक एंड्रॉइड ओरियो 8.1 यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया और 1.5GHz का यहाँ पर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है। जबकि कैमरे की बात करें तो रियर में आपको 8MP का कैमरा मिलेगा और फ्रंट में दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको 5MP का कैमरा और दोनों ही तरफ आपको LED फ्लैश लाइट प्रोवाइड की गई है। बैटरी की बात करें तो 3000mAh की दोस्तों यहाँ पर बैटरी मिल जाती है। और जो सबसे खास फीचर है इस फोन का वो है डुअल 4G वोल्टी। जी हाँ दोस्तों, एक 4,500 रुपये के फ़ोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का फीचर मिल जाता है, साथ में फेस अनलॉक वाला फीचर भी मिल जाता है। यानी कि आप इसमें 2 Jio SIM एक साथ लगा सकते हैं और दोनों पर ही दोस्तों आपको यहाँ पर नेटवर्क मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। तो फिलहाल हमने बॉक्स ओपन कर लिया है, तो यहाँ से भी आप बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या कुछ कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों बॉक्स में सबसे ऊपर ही आपको जो है स्मार्टफोन यहाँ पर मिल जाता है। तो स्मार्टफोन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह का स्मार्टफोन आपको मिलेगा। और मेरे पास जो है यहाँ पर गोल्ड कलर वेरियंट है, आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का दिखता है, जो गोल्ड कलर वेरिएंट है कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखेगा और काफ़ी हल्का है और देखने में काफ़ी अच्छा है। फुल स्क्रीन यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। जो बेजल्स है साइड में वो काफ़ी कम दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस पैकेट के अंदर यहाँ पर क्या कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो काफ़ी भारी पैकेट ये मुझे लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको एक बैटरी दिख जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको रिमूवेबल बैटरी मिलेगी जो कि 3000mAh की, आप लोग देख सकते हैं। 3000mAh की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है एक 4,500 रुपये के फ़ोन में। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक सिलिकॉन केस प्रोवाइड किया गया है जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको केस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में एक USB डेटा केबल यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर एक चार्जिंग अडेप्टर मिलता है जिसकी रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 1.5 जो है इसका आउटपुट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी प्रोवाइड किया गया है। वैसे तो यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन आपको मिल जाती है, फिर भी यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन दिया गया है तो जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जो है बैटरी हम अपने स्मार्टफोन में लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फ़ोन का ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलती है और फुल स्क्रीन वाली डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगी। जो बेजल्स है वो काफ़ी कम है, आप लोग देख सकते हैं। 4,500 रुपये में कुछ इस टाइप का फ़ोन आपको मिल रहा है जहाँ पर काफ़ी कम बेजल्स मिल रहे हैं। सामने की तरफ LED फ्लैश मिल रहा है, 5MP का कैमरा यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ पर आपको जो है ईयरपीस सामने की तरफ मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको दोस्तों यहाँ पर 3.5mm वाला ऑडियो जैक मिलता है, जबकि राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाएंगी और जो पावर बटन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से फ़ोन काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है, जबकि नीचे की तरफ यहाँ पर आपको USB पोर्ट दिया गया है और जो आपका माइक है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा सिम ट्रे वगैरह, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी दी गई वो रिमूवेबल दी गई है। तो मैं वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कितने यहाँ पर स्लॉट प्रोवाइड किए गए, SD कार्ड के लिए अलग से स्लॉट है या नहीं है। तो यार फ़ोन देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 4,500 रुपये का ये फ़ोन हो। काफ़ी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलती है फुल स्क्रीन वाली और जो फ़ोन का डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर काफ़ी स्टाइलिश बनाया गया है। करीबन जो है
8 या 9 हज़ार रुपये के आसपास आपको ऐसे स्मार्टफोन मिलते हैं कुछ इस तरह के डिज़ाइन के, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। तो चलिए बैक पैनल हम रिमूव करते हैं और जो स्लॉट्स यहाँ पर दिए गए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला स्लॉट आपको मिलेगा वो आपको माइक्रो सिम के लिए स्लॉट दिया गया है, यानी कि ये आपकी फर्स्ट सिम होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको एसडी कार्ड के लिए अलग से स्लॉट मिल जाएगा, और जो तीसरा स्लॉट दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वो आपको एक नैनो सिम कार्ड के लिए स्लॉट प्रोवाइड किया गया, यानी कि दो सिम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एसडी कार्ड अलग से लगा सकते हैं और दोनों ही सिम पर आपको 4G वोल्टी वाला नेटवर्क मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल हमने बैटरी यहाँ पर जो है इंसर्ट कर ली है, तो आप फ़ोन को हम ऑन करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हमारा फ़ोन यहाँ पर दोस्तों ऑन हो गया है और जोलो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे जो है पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो फिलहाल मैं जो है इसे फटाफट से सेटअप कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ इसके फीचर्स। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह की होम स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलेगी, कोई भी ऐप ड्रॉअर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, सभी ऐप्स आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगी। गूगल के ऐप्स यहाँ पर जो है सभी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके बाद गूगल डुओ यहाँ पर मिल जाता है, प्ले स्टोर दिया गया है, बाकी जो ऐप्स है वो आपके सामने आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से ऐप्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एफएम रेडियो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है और फेसबुक वाला ऐप यहाँ पर पहले से इंस्टॉल करके आप लोगों को दिया गया है, तो ये कुछ ऐप्स यहाँ पर मिलते हैं। जबकि नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो नोटिफिकेशन पैनल आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह के शॉर्टकट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा ओएस यहाँ पर आपको मिलेगा, कितनी स्टोरेज फ्री मिलेगी। तो फिलहाल हम सेटिंग्स में आ गए, नेटवर्क एंड इंटरनेट, उसके बाद कनेक्टेड डिवाइस और ऐप नोटिफिकेशन, बैटरी, डिस्प्ले। तो चलिए डिस्प्ले में देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ पर आपको जो है अडेप्टिव ब्राइटनेस वाला फीचर दिया गया है, तो फिलहाल हम इसे जो है ऑन कर लेते हैं। तो ये भी सही है, यहाँ पर आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस वाला फीचर भी मिल जाता है। तो उसके बाद अब हम आते हैं स्टोरेज में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आपको 16 GB का यहाँ पर स्टोरेज मिलता है, जिसमें से 5.09 GB जो है यूज़ किया हुआ है, करीबन 32% यूज़ किया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं अबाउट सेक्शन के अंदर, तो सिस्टम के अंदर, और उसके बाद आपको दिखाते हैं OS वगैरह के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अबाउट फ़ोन इरा 4X 2 GB, तो फिलहाल मेरे पास ये है, और वैसे 1 GB रैम वेरिएंट भी आता है इसका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 है और स्टार OS यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो 5 नवंबर 2018 का यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अब चलिए जो फेस अनलॉक वाला फीचर है दोस्तों उसे हम टेस्ट करते हैं, और यहाँ पर फेस डेटा जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। वैसे रूम में जो लाइट है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये रीड कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो आप लोग देख सकते हैं लाइट काफ़ी कम है और ये फिलहाल रीड कर रहा है, और यहाँ पर जो है सक्सेसफुली हमारा जो फेस डेटा है वो ऐड हो चुका है। तो चलिए अब मैं टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने प्रेस किया और कुछ ही टाइम बाद जो है हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है, यानी करीबन 1 सेकेंड से भी कम में जो हमारा फ़ोन है वो यहाँ पर अनलॉक हो रहा है। आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन जो फेस अनलॉक वाला फीचर है दोस्तों वो काफ़ी फास्ट काम करता है और काफ़ी एक्यूरेट काम करता है। तो चलिए अब दोस्तों इसका कैमरा जो है वो और टेस्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ किस तरह से यहाँ पर आपको कैमरा फीचर्स मिलते हैं। तो कुछ जो कैमरा ऐप है उसका इंटरफेस आप लोगों के सामने है। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि दोनों ही तरफ आपको जो फ्लैश लाइट है वो प्रोवाइड की गई है। रियर में आपको 8 MP का कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट में 5 MP का कैमरा मिलता है। दोनों ही तरफ आपको AI वाले फीचर्स मिल जाएंगे, जबकि यहाँ पर जो बुके इफेक्ट है जो कि सभी लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं आजकल, दोनों ही तरफ आपको प्रोवाइड किया गया, फ्रंट और रियर दोनों से आप जो है बुके इफेक्ट वाली इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कुछ कैमरा फीचर्स आप लोगों के सामने हैं। जबकि यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोग देखेंगे, सबसे पहले आपको वीडियो, उसके बाद जो है फ़ोटो, फिर आपको जो है ब्यूटी वाले फीचर यहाँ पर मिल जाएंगे। ब्यूटी में ही आपको जो बुके इफेक्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, उसके बाद लास्ट में आपको जो फ़नी कैम है वो प्रोवाइड किया गया है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर AI वाले फीचर्स मिल जाएंगे फ़नी कैम में और ब्यूटी में आपको। जबकि कैमरा सेटिंग्स की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको सुपर नाइट मोड मिल जाता है, यानी कि नाइट में आप काफ़ी अच्छी जो है फोटोज़ ले पाएंगे लो लाइट में भी। उसके बाद वीडियो ब्यूटीफाई का मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स वाला जो है वीडियो यहाँ पर आप शूट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर आपको जो है इस फ़ोन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी काफ़ी कम प्राइस में। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ ले लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने कि आपको ये फ़ोटोज़ कैसे लगे और जोलो इरा 4X का जो कैमरा है वो कैसा लगा। वैसे मुझे तो यहाँ पर ठीक ठाक लगा है, क्योंकि 4,500 रुपये में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब फिलहाल मैं कुछ जो कैमरा सैंपल्स हैं वो आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। Thank you.
तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो आउटडोर वाले फोटोज है वो यहाँ पर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के आ रहे हैं, जबकि जो इंडोर वाले फोटोज हैं जो कि मैंने काफ़ी लो लाइट में लिए थे तो वो इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो लो लाइट में आपकी इमेज जो है फ्रंट कैमरे से तो इतनी अच्छी नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ अगर आप जो है आउटडोर में सेल्फी लेते हैं तो वो आपको बेस्ट सेल्फी मिलेगी, साथ में बुके इफेक्ट वाली सेल्फी भी वहाँ पर आपको मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यार 4,500 रुपये में आपको इससे बेहतर फ़ोन नहीं मिल सकता है जो इस तरह का कैमरा आपको प्रोवाइड कर रहा है और AI वाले फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। वैसे आप लोग चाहें तो मैं इसका कैमरा रिव्यू अलग से कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ही कम टाइम था। तो अगर आप भी 5,000 रुपये के आसपास कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर डेफिनेटली जोलो इरा 4X परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस फोन के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में बेल आइकन को प्रेस करना है और इस फोन के बारे में एक नीचे कमेंट डालना है कि क्या आपको इस फोन में अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में। तो जैसे ही इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत हम जो गिव अवे का रिजल्ट है वो अनाउंस कर देंगे, और जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर अनाउंस किया जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।